पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी को अभी से ही डर सताने लगा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उबार से दीदी के पसीने छूटने लगे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। CAA और NRC का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दांव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की हार की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। ममता दीदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू किया है उससे तो यही लगता है। अभी विधानसभा चुनाव में एक साल से अधिक का समय है, लेकिन TMC प्रमुख चौक चौराहों पर अपना पोस्टर लगवा रही है। इन पोस्टर में पश्चिम बंगाल सरकार के काम से अधिक ममता बनर्जी के चेहरे को दिखाया जा रहा है। दरअसल CAA और NRC के मुद्दे पर ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई हैं। उन्होंने सोचा था कि इस CAA और NRC का विरोध करने के कारण उन्हें मुसलमानों का साथ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस और CPM ने भी पूरे देश में CAA और NRC का विरोध किया। इसके कारण मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस और CPM की तरफ ज्यादा हो गया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस विरोधी रुख के कारण बांग्लादेश से अधिक रूप से प्रताड़ित होकर भारत आने वालों को नागरिकता देने का विरोध करने का आरोप भी उनके ऊपर लगने लगा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के प्रति हमदर्दी है। उन्हें लगता है कि बंगाली हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत किया जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ गया है। ममता बनर्जी को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति नर्म रुख अपना लिया। उन्होंने बांग्लादेश से आए लोगों की कॉलोनियों को पक्का कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्ला कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया। अब ममता बनर्जी ने CAA और NRC के बदले दूसरे मुद्दों को तरजीह देना शुरू कर दिया है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी का राज्य में बढ़ता प्रभाव है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें मिली, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीटें मिली। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की TMC को 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के अलावा स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा को जीत मिली है। इसके कारण ममता बनर्जी को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। उन्होंने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को चुनावी रणनीति बनाने का काम सौंप दिया है और PK की सलाह पर एक साल पहले से ही चुनाव प्रचार करने में लग गई हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने कोलकाता में रैली की थी। उस रैली के बाद से ही ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं। उन्हें भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास हो गया है, जिसके कारण TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के एक साल पहले से ही प्रचार शुरू कर दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बन रही हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।